हमने देखा कि वर्ल्ड कप में आपकी जो इंटेंट थी, स्ट्राइक रेट थी, उस पर आपने काफ़ी काम किया। आपका नंबर शायद रिक्वायरमेंट उसकी वो थी। क्या हम देख सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी वो चीज़ आप चेंज करोगे, लाओगे? जी बिल्कुल। अगर आप हमारी लास्ट सीरीज भी देखें जो हम श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं, और जो जो वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस रही, जो मेरी तरफ से खास तौर पे जो मैंने भी अब श्रीलंका में इंटेंट शो की थी, तो कोशिश करेंगे उसी इंटेंट को, क्योंकि आप देखें मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, तो कोशिश करेंगे कि उसी तरह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इसी तरह वहाँ जाके भी वही खेल पेश करें। अच्छा, क्या कहेंगे कि मिसबा और यूनुस के बाद अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपके ऊपर बड़ी नज़र है, कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारी दुनिया के आप भी एक लंबी क्रिकेट खेलेंगे और बड़े रन्स करेंगे। साथ साथ ये भी बता दें, कल बाबर आजम लटन और छोटा डॉन आपको बोल दिया, ये आपको वो मजाक में कहा या वो क्या है चक्कर, कैसे बता दें? नहीं, वो तो उन्होंने मजाक में किया, वो उनका प्यार है, तो वो इसी तरह हमें, जब वो कप्तान भी थे तो इसी तरह वो हमें लेके चलते थे, वो तो ये उनका प्यार है, उसमें कोई बात नहीं। और जहाँ तक आपने मिडिल ऑर्डर वाली सवाल किया, तो देखें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप हर प्लेयर ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका ये कोई काम होता है कि वो वहाँ पर परफॉर्मेंस करे और पाकिस्तान को जिताए, और इतना इतना ज़्यादा सोचते हैं नहीं, लंबी क्रिकेट का मैच बाय मैच लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान वहाँ पर मैच जीते। साउथ डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होगी एंटायर डिफरेंट होगी द वर्ल्ड कप, तो क्या खसूसी इस हवाले से आप लोगों ने किए, क्योंकि एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, पिचेस भी हैं और आपको पता भी है उधर की पिचेस कैसी हैं? देखिए, अगर आप लोग 2 दिन से हमारी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो तो आपको बजाय नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह की हमने पिचेस यहाँ पे बनवाई हैं, और थोड़ा सा उसमें बाउंस भी छोड़ा है, उसमें अच्छा खासा सीम और सीम भी छोड़ा है। साउथ अफ्रीकन पिचेस में, सॉरी ऑस्ट्रेलियन पिचेस में हमेशा से बाउंस होता है, और कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द अडॉप्ट करें वहाँ पे जाके। थोड़ा सा अर्ली भी जा रहे हैं, हमारा वहाँ पे 4 डे गेम भी है, तो जितना जल्दी हम चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे वहाँ जाके, तो हमारे लिए आसानी होगी उन उनका डिफेंस से यूज्ड टू होने में। साउथ भाई, श्रीलंका में आपने डबल हंड्रेड किया था, पहले पाकिस्तान भी बने थे, रिकॉर्ड भी बनाया था, और कितनी इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज? और दूसरा थोड़ा सा मेरा भी क्वेश्चन आ गया था कि बाबर ने इफ्तिखार को बोला था चाचा, तो बहुत सारे लोग इस नाम रिपीटिशन ही प्लीज, मैंने कहा था एक क्वेश्चन हो गया जी जी करेगा, तो क्या बाबर पहले भी बताते रहते हैं, छोटा डॉन कहते रहते हैं या नहीं? तो पहले वाला सवाल मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोबारा आप कर लें तो मैं उसका जवाब दे लूँ। तो आपने श्रीलंका में रिकॉर्ड बनाया था, पहले पाकिस्तानी बने थे, तो अब ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या करने का है? लेकिन बिल्कुल, हम वहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे खेल पेश करें, रिकॉर्ड बनाए। हम कोई भी सीरीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ख़ास तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा टूर होता है, एज अ प्लेयर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप भी वहाँ जाके टेस्ट हो रहे होते हैं, आपके स्किल टेस्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे जाके, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एज अ प्लेयर भी चैलेंज होता है, एज अ टीम भी वो चैलेंज होता है, तो अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। हमने जो बात मैंने पहले भी की कि अच्छी इंटेंट आपको वहाँ पे भी ज़रूर दिखेगी बाजार सारे प्लेयर्स की तरफ से, तो कोशिश करेंगे अच्छा खेल पेश करें वहाँ। सर ये बता दें कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान जो है वो एशियन पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वो कितना आपके लिए चैलेंजेस होगा होल टीम के लिए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट बॉन्सी पिचेस होंगी, तो वो कितना आपके लिए एक चैलेंज होगा? देखिए, मैंने अभी यही बात बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं और मेरा भी पहला टूर है, और मैं इस टीम में मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारे प्लेयरों का ये पहला ऑस्ट्रेलियन टूर होगा टेस्ट सीरीज में, बाहर 3-4 प्लेयर ऐसे होंगे जो पहले खेले हुए होंगे, तो जब भी हम थोड़ा सा अर्ली भी जा रहे हैं वहाँ पे जाके हमें 4 डे मैच खेलने को मिल जाएगा, हमें वहाँ पे तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा, तो कोशिश यही रहेगी कि जो उन पिचेस में बाउंस होता है उससे कितनी जल्दी हम यूज्ड टू हो जाएं और अपने आप को चीज़ में ढाल लें, तो हमारे लिए और आसानी होगी, कोशिश यही रहेगी हमारी। साउथ ये बता दें कि जो भी प्लेयर होता है वो अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता, और एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये गलत आपको लग रहा है, ऐसा कोई भी इस तरह नहीं खेलना चाहता कि वो अपने लिए खेले और टीम को ना खेले। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, आपने एक सितारा पहना हुआ था, तो आप उसी के लिए हमेशा खेलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आप गलत गलत सोच रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। साउथ में असगर अली मुबारक, आपकी तरफ खड़ा हूँ। ये बताइए कि जिस तरह आप यहाँ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पे तवज्जो दे रहे हैं, क्या फिजिकल फिटनेस और मेंटली तौर पर आपको स्ट्रांग करने के लिए कोई स्पेशल लेक्चर जो है वो दिए गए हैं, कि उसके लिए कुछ आपकी टीम की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से कुछ डिमांड की गई है कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको जो है वो फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटली तौर पे भी किसी साइकेट्रिस्ट वगैरह जो होते हैं माहिर नफ्सियात, उनके साथ भी आपकी टीम की कोई बैठक रखी जाए? हाँ, देखिए, वो वर्ल्ड कप में थे हमारे साथ एक माहिर नफ्सियात थे, लेकिन ये कि इस टूर पर साथ नहीं है, लेकिन काफ़ी हम चीज़ों को खुद भी देखते हैं। अगर हम अपनी फिटनेस देखें, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है सारी चीज़ों का, अपनी फ़िटनेस का, अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में कि अब
लड़के उस स्टेज से निकल गए कि आप उनको आप ज़बरदस्ती कोई पुश करें। अगर आप दो दिन से यहाँ आ रहे हों तो अगर आप देख रहे हो कि सब अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सब अपने स्किल्स का भी ख्याल रख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एज अ प्रोफेशनल आप खुद ही इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी सर भाई, लास्ट सीरीज आपकी श्रीलंका के गेस्ट हुई, वहाँ हमें पूरी एक नई इंटेंट नजर आई थी पाकिस्तान टीम की तरफ से, अग्रेसिव क्रिकेट नजर आई थी, एकदम यूज की गई थी पाक बॉल की, आप भी उसमें काफी अग्रेसिव दिखाई देते, अपनी जो आपकी टेक्निक है उससे बेहतर खेले थे स्ट्राइक रेट की निस्बत, तो क्या इस दफा भी वही रूटीन फॉलो होगी या कुछ चेंजिंग लाएंगे? जी बिल्कुल, अगर देखें इस तरह का ये मतलब नहीं होता, अगर हम कभी भी हम पाक बॉल की बात कर रहे थे, आप जो आपने एक टर्म यूज़ की, हम श्रीलंका में भी कोई इस तरह नहीं खेल रहे थे कि हमने बिल्कुल ही मारदार शुरू कर दी थी, या हम बस अपनी एक इंटेंट अच्छी शो कर रहे थे और हम बहुत क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे, तो कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिले। हम इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही मारदार शुरू कर दें, आप कोशिश करते हैं कि अच्छी इंटेंट के साथ एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और आप अच्छे शॉट्स खेलें, ताकि एक आवाम को भी देखने का मज़ा है। आप लोग ने भी खैर श्रीलंका सीरीज एंजॉय की होगी, तो हमारी जितनी भी हफीज़ भाई से भी हमारी बात हुई और शान भाई का भी जो सारा इनपुट है वो यही है कि आप अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलें इंटेंट के साथ। सर माजी में पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता, तो ये पाकिस्तान का कभी ना जीतना एक प्रेशर होता है या एक तरह का एक साया रिलीफ है यार कभी नहीं जीते हम जीत जाएंगे, तो हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए एक सीरीज है? नहीं देखें, मुझे पुराना नहीं पता, मैं मेरा फर्स्ट ओवर है, लेकिन तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैंने हमेशा से ये बात की है कि ऑन द डे जब भी मैं परफॉर्म करूं तो पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन इस तरह कभी भी आप नहीं सोचता, अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर होते हो तो आप कभी भी ये नहीं सोचता कि आप माजी में हार गए तो क्या लोग क्या हुआ अगर हम भी हार गए, ऐसा बिल्कुल भी हम खैर मेरा जो ग्रुप टीम में है, मतलब जो हम ये 15-16 का टीम है, हम बाजार इस तरह नहीं सोचते।